wish I could get through to you. Don't know what I'd do to ya. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Hi friends, welcome back to our channel. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आज मेकअप नहीं किया हुआ है और मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल और टैन लग रही है यार. गर्मी हो या सर्दी, सबसे ज़्यादा सफ़र करता है मेरी स्किन का ग्लो. तो कोई बोलता है हल्दी लगाओ स्किन के ऊपर, कोई बोलता है बेसन लगाओ स्किन के ऊपर. मैंने हल्दी भी लगाया, बेसन भी लगाया, दोनों को मिक्स कर भी लगा कर देखा, लेकिन इतना ज़्यादा ग्लो आया नहीं. लाइक सलोन लाइक ग्लो मुझे फेस के ऊपर आया नहीं. और दो दिन बाद मेरे घर पर है फंक्शन और मुझे चाहिए फेस के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सलोन में जाकर अपॉइंटमेंट लेती हूँ. यार अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी, अपॉइंटमेंट मिल रही है और सलोन में प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है. 1000 से तो फेशियल स्टार्ट है जो मेरे बजट के तो बिल्कुल बाहर है. 1000 फॉर फेशियल ओनली, नॉट सो बजट फ्रेंडली. तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा फेशियल ऑनलाइन देखती हूँ और उसे परचेस करती हूँ और उसे घर पर ही करती हूँ, जो मेरे बजट में भी आए और वो अच्छा भी है. तो मुझे मिल गया न्यूड का 30 मिनट्स DIY मेकओवर फेशियल. सी, ये है न्यूड का 30 मिनट्स DIY मेकओवर फेशियल किट जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, जिसमें 6 स्टेप दिए हुए हैं और स्टेप्स में 6 स्टेप्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक लवेंडर असेंशियल ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन सी, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, शिया बेटर जैसे हर्बल ऑयल्स दिए हुए हैं और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया. ये मेरे बजट में भी आ गया. ओनली 355 रुपीज़ इसके ऊपर कॉस्ट लिखी हुई और सबसे ज़्यादा अच्छा है इसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स है, ट्रस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट है. प्लस इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है लाइक पैराबीन, सल्फेट जैसे हार्श केमिकल इसमें नहीं. प्लस ये सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा. इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे. इसके पीछे 6 स्टेप दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब कुछ एकदम अच्छे से दिया हुआ है. हमें करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा. इस तरह से ये पैकिंग में आता है, इस तरह से ये कुछ फेशियल किट दिखता है. तो इसके ऊपर मैंने इतना सारा चीज़ें बोल दिया है, सच में ये वर्क करता है या नहीं अभी वो देखते हैं. तो मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं बालों को भी सेव करती हूँ. चलिए अभी फेशियल को स्टार्ट करते हैं. अभी मैंने बालों को अच्छे से कवर कर लिया है और अभी मैं फेशियल करने के लिए अच्छे से रेडी हूँ. अभी ये 6 स्टेप्स है, उसमें से फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग मिल्क. क्लिनजिंग मिल्क को फेस के ऊपर अच्छे से लगा कर लेना है और 3 से 5 मिनट का राउंड मोशन में मसाज करना है. क्लिनजिंग मिल्क से हमारे फेस में से जो मेकअप रहता है वो रिमूव होता है. पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा कर लेना है जिससे हमारे फेस में जो डर्ट रहती है वो रिमूव होने में हेल्प करें. 3 से 5 मिनट का मसाज होने के बाद उसे एक कॉटन से वेट टिश्यू से क्लीन करके लेना है. फेस को अच्छे से क्लीन होने के बाद अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, फेस स्क्रब. अभी मैं स्क्रब को पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा कर लूँगी, फिर उसे राउंड मोशन में मसाज करूँगी, जेंटली मसाज करूँगी और जहाँ जहाँ पर मुझे टैनिंग लग रहा है, ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज़्यादातर मैं मसाज करूँगी और 4 से 5 मिनट मसाज करने के बाद उसे क्लीन करके लूँगी. फेस को स्क्रब करने से हमारे जो ब्लैकहेड्स रहते हैं वो रिमूव होते हैं, डेड स्किन्स रिमूव होते हैं, जो पोर्स रहते हैं वो ओपन होने के लिए हेल्प करता है. इसीलिए फेस को वीकली एक बार तो मसाज करना, स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फेस के ऊपर स्क्रब होने के बाद आप चाहिए तो स्टीम भी ले सकते हैं, ब्लैकहेड्स को रिमूव भी कर सकते हैं ब्लैकहेड्स रिमूवर की हेल्प से. अभी उसे 3 से 5 मिनट मसाज करने के बाद उसे एक वेट टिश्यू से क्लीन करके लेना है. अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, फेस मसाज क्रीम की ओर. फेस मसाज क्रीम को पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा कर लेना है और फिर उसको 10 मिनट अच्छे से मसाज देना है. अभी इसमें आप प्रेशर देके मसाज कर सकते हैं. फेशियल में फेस मसाज ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है. फेस मसाज से हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो बढ़ाने में हेल्प करता है और इसमें है शिया बटर, एवोकाडो ऑयल, वीट जम ऑयल जो हमारे फेस के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो लाने में हेल्प करेगा, स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा. अभी इसे 10 मिनट अच्छे से मसाज करना है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मसाज क्रीम को आपको वेट टिश्यू से क्लीन करना है और अगर ड्राई स्किन है तो उसे वैसे ही रखना है और उसी के ऊपर नेक्स्ट स्टेप्स आपको करना है. अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा. अगर आपको फेस मसाज स्टेप्स देखने हैं तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं.
तो इस तरह से मेरा फेस मसाज हो गया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, फेस मास्क की ओर। अभी फेस मास्क को भी पूरे फेस के ऊपर अच्छे से इवनली लगा कर लेना है और उसे 10 मिनट तक ड्राई होने तक छोड़ देना है। फेस मास्क से हमारे स्किन टाइट होने में हेल्प करती है और हमने जो भी स्टेप्स किए हैं उससे हमारे पोर्स ओपन हुए हैं उसे क्लोज करने के लिए हेल्प करता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वन टाइम यूज़ फेशियल किट है, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसे आराम से दो बार यूज़ कर सकते हैं। अभी फेस मास्क को 10 मिनट तक रख देना है ड्राई होने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा स्किन ड्राई हो गया है, अभी उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आई जस्ट लव द रिजल्ट। अभी ये फिफ्थ स्टेप है फेस सीरम। सिर्फ उसे फेस के ऊपर लगाना है और इसी तरह से उसे छोड़ देना है। ये अपने आप ड्राई हो जाएगा और स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाएगा। एक से दो घंटा ऐसे ही रखना है, फेस को वॉश नहीं करना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर सकते हो, कोई साबुन या कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। और डेली अभी कोई भी प्रोडक्ट्स फेस के ऊपर, कोई भी मेकअप फेस के ऊपर लगाना है वो ज़्यादातर ट्राई करो कम से कम 4 to 5 hours का गैप हो। मैं तो अभी फेशियल करने के बाद किधर जाने वाली हूँ नहीं, तो मैं ये 6 स्टेप दिया हुआ है सनस्क्रीन, इसे बाहर जाते टाइम यूज़ करूँगी, अभी मैं इसे स्किप करती हूँ। तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना। और आपने अगर ये प्रोडक्ट यूज़ किया तो मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।